This is a Cartesian coordinate system. Here is the origin. This is the arm of rotation. This is a point P which has a position R. R is the position vector of the point P, and here a force is acting on it. This force may be acting in any direction, let us say in this direction. Okay, so the direction of R is this. This is direction of R and this is direction of force. Then this start a rotational motion. Is rotational motion ka torque kaise nikalenge? So the angle between vector R direction and vector F direction is theta. Iske do method hai. Ya to hum force ke part kar denge ya R ke part kar denge. To pehle hum dekhte hain, agar hum force ke दो इफेक्ट निकालते हैं. वन इफेक्ट ऑफ द फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू आर एंड वन इफेक्ट व्हिच इज नॉर्मल टू आर. तो इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट किए. वन कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, दिस वन, दिस इज हाउ मच इज दिस एफ कॉस थीटा एंड वन इज नॉर्मल टू दिस, दिस इज हाउ मच F sin theta. अब आप ये बताइए, अगर ये रोटेशन आर्म है तो इसको घुमाने के लिए F cos theta इसे टर्न करेगा या F sin theta टर्न करेगा? तो आंसर है F sin theta इसको टर्न करेगा, F cos theta तो इसको सीधा खींच के ले जाएगा. लीनियर मोशन. सो F sin theta इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टर्निंग इफेक्ट. So, how much will be the torque? Torque is equal to R multiplied by perpendicular component of the F. This is F perpendicular, and this we will call, this is F normal and this we will call F parallel. तो हमें कौन सा एफ चाहिए? एफ नॉर्मल चाहिए, एफ नॉर्मल. तो टॉर्क की कैलकुलेशन ऐसी हुई. नाउ हियर टॉर्क इज इक्वल टू आर आर और एफ नॉर्मल का मैग्नीट्यूड एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा. दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द टॉर्क. क्या करना है? फोर्स के दो कंपोनेंट बनाइए. वन कंपोनेंट which is parallel to R and one which is normal to R. और उसमें से कौन सा choice करना है? Normal to R, इन दोनों को multiply करिए, you get the torque. दूसरा method देखिए. Here, this is point P where we are applying force in this direction, and here this is the direction of R position vector and this is force vector. Now what we do, this is the direction of force, this is direction of R, and there is an angle theta between the two, theta. Now this R is resolved into two directions. Iski jo hum do direction nikalenge wo kaun kaun si hogi? To ek humne banai which is normal to force. This is normal to force. और दूसरी हमने बनाई which is parallel to force. ये force की direction है. Suppose I just ये mix-up हो रहा है, so let me make it this way. This is the direction of force. So here is point P और इस पर ये एक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में. ये इसकी डायरेक्शन है फोर्स की और ये डायरेक्शन है आर की.
दोनों के बीच एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। यहाँ आर से हमने एक परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन में ड्रॉ किया दिस, और एक फोर्स के पैरेलल। सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस आर। दिस कंपोनेंट इज नोन एज आर नॉर्मल बिकॉज दिस इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस कंपोनेंट दिस वन दिस इज आर पैरेलल बिकॉज दिस इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये अब इसमें ये जब फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन किसकी है? पैरेलल की। ये पैरेलल की, दिस इज आर पैरेलल एंड दिस इज आर परपेंडिकुलर। अब अगर हम ऐसा फोर्स लगाते हैं तो टर्निंग इफेक्ट की आर्म कौन सी है? क्या ये हैंडल को पकड़ के फोर्स ऐसे घुमाएगा या इस हैंडल को पकड़ के फोर्स घुमाएगा? तो हम क्या देख रहे हैं, अगर फोर्स ऐसा लगता है तो इस आर को तो सीधा खींच के ले जाएगा, टर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसको आर मानते हैं, इसको आर मानते हैं, ये फोर्स ऐसा लगेगा तो इफेक्ट कैसा आएगा? बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट दिस। सो दिस आर कॉम्पोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टॉर्क, और ये कौन है? आर नॉर्मल। तो यहाँ पर टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे होगी? आर नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। नाउ व्हाट इज द आर नॉर्मल मैग्नीट्यूड? द मैग्नीट्यूड ऑफ आर नॉर्मल, अगर ये थीटा है, ये आर है, तो ये कितना हुआ? आर साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आर कॉस थीटा। तो यहाँ पर हैंडल का काम कौन कर रहा है? आर साइन थीटा, ऐसे रोटेट करने का। सो दिस वी विल टेक एज आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एफ। सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, और आर एफ साइन थीटा दिस। सो सेम रिजल्ट। सो वेदर वी टेक कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स and take the normal component, or we divide R into two directions and we take normal R to F, दोनों में हमको result एक ही मिलता है। तो जहाँ पर जो situation होगी, according to that situation we have to solve, we have to do the application, जैसी situation होगी वैसा application कर लेंगे। Okay, now in this what are the given quantities? F is given, R is given, and angle between the two, theta is given to us. Their magnitude and this. अब इस पे एक और चीज़ भी हो सकती है कि हमको R और F दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए। किस तरह से वेक्टर फॉर्म में दिए हैं? Suppose the position R of a point is given to us in x, y, z. कोऑर्डिनेट्स आई जे के टर्म्स में दिया। किस तरह से दिया? आर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स इन आई डायरेक्शन, वाई इन जे डायरेक्शन, एंड जेड इन के डायरेक्शन। दिस इज वेक्टर आर, इट इज गिवन लाइक दिस। फोर्स जो हमको दिया है उसमें भी x डायरेक्शन में कितना फोर्स है? I की डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड है Fx, J की डायरेक्शन में दैट इज y की डायरेक्शन में फोर्स Fy है, और K की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट Fz है। ये इसका ये मतलब है कि हमको किस तरह से फोर्स दिया है। द फोर्स इज गिवन टू अस एज F इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 3k। ये तो 5 माइनस 2 प्लस 3 ये कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, किस डायरेक्शन में? i, j और k की डायरेक्शन। इस तरह से अगर हमको इस फॉर्मेट में r और f दिया है तो टॉर्क कैसे निकलेगा? तो इसके लिए टॉर्क निकालने का तरीका देखिए, वी विल डू द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सो दैट इज
torque is equal to R cross F. And this is equal to, और ये method आपको हम पहले कर चुके हैं vector product में. This gives us I, J, K. This is a matrix. और ये matrix किस तरह से बनेगी? I, J, K. R पहले आएगा, फिर F आएगा. तो R के component कौन है? X, Y, Z. So here we have X, Y, Z. फिर F के FX, FY, FZ. FX, FY and FZ. This is torque. Okay. इसको solve करना आप सबको आता है. नहीं आता, we will revise it once. देखिए किस तरह से ये vector format में आएगा. इसे हम शुरू करते हैं. The torque is equal to. Torque is equal to. पहले I लिखिए. एक ब्रैकेट बनाइए माइनस. फिर जे लिखिए, एक ब्रैकेट बनाइए माइनस. दो नंबर आएंगे यहां पे. फिर के लिखिए और ये ब्रैकेट माइनस. नाउ स्टार्ट. आई के बाद इस ब्रैकेट में क्या आएगा? आई, ये दो लाइन खींचिए. आई यहां है. इसको और इसको भूल जाइए. दिस, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए. y इंटू एफ जेड, वाई इंटू एफ जेड माइनस z इंटू एफ वाई. ये आ गया. अब j, j के बाद कौन है? k. और k के बाद कौन है? फिर से i, i x और fx. अब ये लाइन को, ये इसके बाद ये वाला स्क्वायर हम लेते. फिर से वही ऑपरेशन, z इंटू एफ एक्स, जेड इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ जेड, एक्स इंटू एफ जेड. फिर से प्लस k, k के बाद कौन आता है? i और j, i और j. तो ये वाला स्क्वायर आ गया. स्क्वायर में x इंटू दिस माइनस. ऊपर से हमेशा स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं करना. ये और उसके बाद ये नहीं लेना है, ये ऐसा ऐसा. सो दिस इज x इंटू एफ वाई माइनस y इंटू एफ एक्स. दिस इज प्रोडक्ट इज डन. इस तरह से आप इस प्रोडक्ट को करेंगे. सो what you will get is the torque. इस तरह से हम torque को निकालेंगे. अभी हमको पढ़ने में इसको ज़्यादा time लग रहा है because we are learning it. But when we apply it, it goes very fast. बड़ी जल्दी हो जाता है. हम example करके देखेंगे, it will be really fast. So this is how we get the torque when they are given in the torque form. They are given in the vector form. अब फिर से देखिए, torque के लिए जब हमको फोर्स, डिस्टेंस और थीटा, ये तीन क्वांटिटी गिवन हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. और जब हमको इन दोनों फॉर्मेट में आर और एफ दिए हैं, तो हम ये फॉर्मेट लगाएंगे. दैट इज दिस वन. दिस इज मैट्रिक्स. तो इतना याद करना मुश्किल है, बट वी कैन ऑलवेज रिमेंबर मैट्रिक्स फॉर्म. I, J, K, X, Y, Z, F, X, F, Y, F, Z. Okay, so this is how we do, how we calculate torque. अब next, torque का एक दूसरी quantity, moment of inertia, से क्या relation होता है? हमने अभी तक क्या देखा? कि एक body पे अगर हम force F लगाते हैं, तो ये point of rotation से, ये इसका distance है R. फिर से देखिए इसी चीज को. हमने एक पॉइंट लिया, ये एक डोर है और ये इस डोर की हिंजेस है. तो जब हम यहां पर फोर्स लगाते हैं, तो डोर ऐसे टर्न लेता है, बंद होता है. तो एक फोर्स यहां लग रहा है और एक फोर्स यहां लग रहा है. टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है? ये वाला आर
और ये वाला फोर्स. अब इसको तो हम कहेंगे फोर्स अप्लाइड. फोर्स अप्लाइड. आर को क्या कहेंगे? आर, व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो ये हमने इसका नया नॉमेनक्लेचर याद कर लिया कि व्हाट इज आर. आर इज द आर्म ऑफ रोटेशन. आर्म, ये इतनी बड़ी आर्म है, इस आर्म को पकड़ के हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं. दूसरा, आर इज द डिस्टेंस एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन. तो इसलिए हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, एफ फोर्स अप्लाइड आर. नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन. ये दो हम अपनी जनरल लैंग्वेज में याद कर लेते हैं, दैट दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क. वेन एवर वी आर अप्लाइंग ए सिंगल फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, नेचुरली रिएक्शन का फोर्स कहाँ पर है? पॉइंट ऑफ रोटेशन पर है. सो टॉर्क विल बी गिवन बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट ऑफ रोटेशन. जैसे हमने एक नट बोल्ट को खोलना है, अगर एक बोल्ट को खोलना है, ये बोल्ट का हेड है, इस पे हमने स्पैनर लगाया और स्पैनर लगा के यहाँ पर फोर्स लगाया लाइक दिस. तो ये हम रोटेशन ऐसे करेंगे. व्हाट इज आर्म ऑफ रोटेशन? दिस इज आर्म ऑफ रोटेशन. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ फोर्स? दिस. तो इसको हम क्या मानेंगे? आर. व्हाट इज दिस? नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन. दिस इज द नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन. किसका डिस्टेंस? फोर्स का डिस्टेंस. तो फोर्स अप्लाई जहां करते हैं वहां से नॉर्मल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते, दैट इज आर व्हेन वी आर अप्लाइंग ए सिंगल फोर्स. तो याद रखिए ये आर और एफ के मीनिंग. सो मेनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस. नाउ द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अदर टर्निंग इफेक्ट्स लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. एफ इज इक्वल टू दिस, वी कैन राइट एज मास इंटू एक्सेलरेशन. आर इंटू मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन. नाउ दिस वी कैन राइट एज एम एम आर आर. एक ये ए, इसमें हमने एक आर को और मल्टीप्लाई कर दिया और एक आर से डिवाइड कर दिया. वी कैन डू दैट मैथमेटिकली. सो दिस विल बी एम आर स्क्वेयर. एम आर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन आर. दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड दिस इज रेडियस. और आपको सर्कुलर मोशन में आपने एक टर्म पढ़ी है, अगर इसका एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन ए है, तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होता है? तो आंसर है ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा. ये हम लोग कर चुके हैं. व्हाट इज दिस? लीनियर एक्सेलरेशन. व्हाट इज दिस? एंगुलर एक्सेलरेशन. सो ए इज इक्वल टू आर अल्फा. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. तो अल्फा किसके बराबर हुआ? अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर. ये ए अपॉन आर, हम क्या लिख सकते हैं इसको? अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. व्हाट इज एम आर स्क्वेयर फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सो दिस इज टॉर्क. सो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. ये लीनियर मोशन में देखिए, लीनियर ये कौन सा है? रोटेशनल. लीनियर मोशन में फोर्स,
is equal to mass into acceleration. This is linear inertia, linear acceleration. This is rotational inertia, moment of inertia. This is to be multiplied by rotational acceleration. Hai dono hi inertia into acceleration. Dono hi kya karte hain? Motion ko start karte hain ya stop karte hain. To jo role force ka linear motion mein hai, the same role is that of torque in rotational motion. So role of force in linear same as role of torque in rotational motion. तो ये टॉर्क का एक और रिलेशन, ये किस में है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए. तो अब आपके पास टॉर्क के फॉर्मूले हो गए बहुत से. आर क्रॉस एफ, दैट इज द फोर्स अप्लाइड, आर इज आर्म ऑफ रोटेशन. दूसरा क्या है? आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. बिकॉज व्हेन वी अप्लाई द टॉर्क, it will not move, it will not keep moving with the uniform velocity. The velocity will go on increasing because of application of torque. तो ये जो velocity increase होती है, ये उसका turning effect है. Torque एक ऐसी quantity है, जब हम कोई भी motorcycle खरीदते हैं, engine खरीदते हैं, तो उसकी जो उसका जो effectiveness है, उसकी जो ताकत है, वो हमको टॉर्क में बताई जाती है. बिकॉज इंजन इज टर्निंग एंड टर्निंग इफेक्ट इज गिवन इन द टॉर्क. तो जब भी आप देखेंगे, आपको उसमें फोर्स नहीं मिलेगा, हमेशा टॉर्क मिलेगा. हम लोग उसकी इंजन कैपेसिटी देखते हैं, सिलेंडर कैपेसिटी. 100 cc गाड़ी है, 110 cc है, 150 cc है, 1200 cc की कार है. बट सीसी कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो टॉर्क क्रिएटेड है, दैट गिव्स द एक्चुअल पावर ऑफ द टर्निंग पावर. तो ये टॉर्क हमको इससे पता लगता है, आई इंटू अल्फा. ये अल्फा एक्सेलरेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क देता है. तो वहां पर हमको टॉर्क की क्वांटिटी दी जाती है, बिकॉज दैट इज द रेलेवेंट क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन. So this is all about torque. फिर से, torque is responsible for creating the rotational motion. अगर मुझे एक nut bolt खोलना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, क्या apply करूंगा? Answer, torque. Because I will create certain distance, apply the force. Okay? Then that is creating here. This is nut bolt, this is spanner, here is force. अगर मुझे मेरा उससे nut bolt नहीं खुलता है, तो मुझे क्या करना है? Torque को increase करना है. Torque को अगर increase करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो force को increase करें, या radius को increase करें. तो हम ये करते हैं कि जहाँ पर ये नट बोल्ट लगा है, इसके साथ स्पैनर लगा है, इस स्पैनर की रॉड में एक एक्स्ट्रा रॉड और लगा देते हैं, दिस रॉड. एंड नाउ वी अप्लाई द सेम फोर्स. तो यहाँ पर टॉर्क कितना था? एफ इंटू आर. यहाँ पर कितना हो गया? एफ इंटू टू आर. द क्वांटिटी हैज डबल्ड विद द सेम फोर्स. हियर फोर्स इज एफ, हियर फोर्स इज एफ. इस तरह से इसकी जो रोटेशन आर्म है, इसकी लेंथ को डबल करके हम टॉर्क को डबल कर लेते हैं. तो टर्निंग इफेक्ट इज नाउ डबल और अब खुल जाता है. ये आपने देखा है, जब हम कोई भी नट बोल्ट खोलते, हाथ से नहीं खोल सकते, क्योंकि हाथ से जब हम फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स यहाँ लगेगा और उसका रेडियस बहुत छोटा है. जब स्पैनर लगाते हैं, तो इतना बड़ा रेडियस हो गया, टॉर्क बदल गया. और घुमाएगा कौन? फोर्स की टॉर्क. तो रोटेशन टॉर्क करता है, इसलिए ये आर्म हमको चाहिए और लंबी से लंबी चाहिए. दिस इज हाउ वी क्रिएट द टॉर्क. टॉर्क से रिलेटेड और एक बहुत फेमस एग्जांपल है, उसे देखिए.
यदि हमें एक डोर को ओपन करना है, यहाँ पर डोर की हिंजेस हैं जो कि मूव नहीं कर सकती लीनियर, लेकिन टर्न कर सकती, ऐसे टर्न कर सकती हैं, ओके। ये इसके साथ में हमने ये डोर का पैनल है और ये ऐसे मूव कर सकता है। यहां पर जब हम इसको मूव करेंगे तो कौन सा मोशन होगा? टर्निंग मोशन। टर्निंग मोशन में इसको कुछ टॉर्क चाहिए। सपोज इसको टॉर्क चाहिए 20 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज आर इंटू एफ, मीटर न्यूटन, वी राइट इट न्यूटन मीटर। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज यूनिट ऑफ द टॉर्क? न्यूटन मीटर। एंड व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ द टॉर्क? डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू, 1 m, दिस इज मीटर लेंथ, सो दिस इज एम एल टू टी माइनस टू। एक l से है और एक l ये मीटर का है, सो दिस इज एम एल टू टी माइनस टू। प्लीज रिमेंबर दिस, ये हमारा छूट गया था, ओके। सो दीज आर डायमेंशंस, दिस इज यूनिट। फिर से यहां आते हैं, हमें यहां पर कितना टॉर्क चाहिए? 20 न्यूटन मीटर। ये वाला डिस्टेंस है, सपोज दिस डिस्टेंस इज 0.2 मीटर, नो थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, सपोज दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। इफ दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर तो यहां पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आंसर है हमें यहां फोर्स लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन। तो टॉर्क कितना क्रिएट हुआ? 20 × 1, 20 न्यूटन मीटर, और ये डोर ऐसा ओपन हो गया। हमको दरवाजा खोलने के लिए फिक्स क्वांटिटी किसकी चाहिए? फोर्स की या टॉर्क की? तो आंसर है कि दरवाजा खोलना कौन सा एक्शन है? आंसर रोटेशनल मोशन। बिकॉज इट इज ए रोटेशनल मोशन, व्हाट वी नीड इज ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ टॉर्क, नॉट द फिक्स क्वांटिटी ऑफ फोर्स, क्योंकि मोशन रोटेशनल है। तो यहां पर हमें कितना टॉर्क चाहिए? 20 न्यूटन मीटर। सो इफ दिस इज 1 मीटर, वी अप्लाई द फोर्स 20 न्यूटन। सपोज वी अप्लाई फोर्स हियर, हियर दिस इज नाउ 1/2 मीटर। यहां पर हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट टॉर्क बिकम 20 न्यूटन मीटर, क्योंकि 20 न्यूटन मीटर के बिना ये खुलेगा नहीं। तो हमें यहाँ पे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 40 न्यूटन। तो जब 40 न्यूटन लगाएंगे तो 40 × 1/2 20 न्यूटन मीटर, तब ये खुलेगा। तो देखिए यहाँ पर पुश करना डोर को, अगर हमें खोलना है तो इतना फोर्स लगाना पड़ता है, और यहाँ पर लगाते हैं तो सिर्फ इतना फोर्स लगाना पड़ता है। तो दरवाजा खोलने के लिए हमेशा दूर से दूर हमें फोर्स लगाना चाहिए, सो दैट वी गेट ए लॉन्गर आर्म। नाउ सपोज वी वॉन्ट टू ओपन द डोर बाय अप्लाइंग फोर्स हियर, हाउ मच इज द डिस्टेंस? 0। नाउ वट एवर फोर्स यू अप्लाई, डोर विल नॉट ओपन। 100 न्यूटन लगाइए तब भी डोर नहीं खुलेगा, क्योंकि डोर खोलने के लिए हमको क्या चाहिए? टॉर्क, दिस मच। तो किसी भी रोटेशनल मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को खोलने के लिए, घुमाने के लिए, हमें एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ टॉर्क चाहिए, एंड वी कैन ऑलवेज प्ले विद दी फोर्स। जितना आर को ज़्यादा करते जाएंगे उतना फोर्स कम होते जाएगा, जितना आर को ज़्यादा करेंगे उतना फोर्स कम होते चला जाएगा, एंड इट विल बी वेरी ईजी फॉर अस टू ओपन द डोर। तो जितना आर्म लंबा करेंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, टर्न हो जाएगा। So this is the relation of force and radius. So these are all the things about torque we have studied now, and in the next lecture we will see another quantity in rotational motion, and that is very important quantity which we will call angular momentum. Thank you.